अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और मैं किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए खड़ी हूँ। मुझे घर के काफ़ी सारे काम थे तो मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हैवी बना देती हूँ ताकि एकदम से सबको भूख ना लगे और मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए लंच के बनाने तक। तो जनाब, आज मैं एक डिफरेंट काम करने लगी हूँ। मैं ट्राई करने लगी हूँ टिकटॉक वायरल रेसिपी, और देखने में तो बहुत अच्छी लगती है और लगता है टेस्ट बहुत अच्छा होगा, तो मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट में ये बना देते हैं। तो मैंने उसके लिए लिया है जी प्याज, और प्याज के साथ मैंने डाला है बेल पेपर्स। मेरे पास रेड नहीं थी, वरना रेड का कलर इसमें बहुत अच्छा लगे, तो येलो और ग्रीन बेल पेपर डाल दिया। बस ऐसे 1 मिनट के लिए सौते करूंगी कि ये बेल पेपर जो है इनका कलर थोड़ा सा ब्राइट हो जाए। तो साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट नहीं है तो आप केचप डाल सकते हैं इस रेसिपी में। वैसे केचप का फ्लेवर डिफरेंट होता है, बट इस रेसिपी के लिए ठीक रहेगी। तो बस मैंने इसको मिक्स किया, और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1.5 कप पानी, और अब मैं इसके अंदर डालूंगी नूडल्स। मेरे पास है इंडोमी की नूडल्स हैं, आप मैगी भी डाल सकते हैं ऑब्वियसली, ये वही जो पैकेट वाली नूडल्स होती हैं ये वो हैं, और 3 मैंने डाल ली हैं इसके अंदर। अच्छा, वैसे ये इंडोमी की जो हॉट एंड स्पाइसी नूडल्स है ना, जो मैं ये डाल रही हूँ, ये एक्चुअल में इनका अपना फ्लेवर भी बहुत ही मज़े का होता है, लेकिन मैंने सोचा कि चलें ज़रा जनाब ट्राई करके देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। तो रेसिपी जो है ना वो बहुत ईजी सी है, 10 मिनट में बन जाती है, और वाकई ये ब्रेकफास्ट रेसिपी है। एक तो ब्रेकफास्ट में खाते हुए बिल्कुल भी अजीब नहीं लगी, और दूसरी बात यह है कि बनाने में भी बहुत मज़ा आया, डिफरेंट सी चीज़ थी। ये जो इंडोमी की नूडल्स होती हैं उसके साथ टोटल 5 साशे होते हैं, जिसमें से 1 चिली का साशे होता है, 1 जो है चिकन पाउडर होता है, अभी जो मैं डाल रही हूँ ये चिली ऑयल है, साथ में डार्क सोया सॉस है और फ्राइड अनियंस। तो ये सारी मिलते हैं साथ में, और ये मैंने तीनों पैकेट्स के जो है ना इसमें डाल दिए। बस इसको मैं ज़रा सा मिक्स कर रही हूँ, और एक बार जो नूडल्स हैं इनको फ्लिप कर लूँगी ताकि दोनों साइड्स पे जो स्पाइस है वो चली जाए, और बस उसके बाद मैं इसको लिड लगा दूँगी। उतनी देर में हम दूसरी साइड पे आते हैं, और जनाब हम एग्स प्रिपेयर कर लेते हैं। 3 मैगी के पैकेट हैं, तो 3 ही मैंने अंडे लिए, लेकिन रेसिपी के एंड पे रिव्यूज़ के बाद इतना टाइम होगा या नहीं, सो अभी मेंशन कर दूं कि अगर 3 मैगी नूडल्स बनानी है तो उसके लिए 4 अंडे बिल्कुल ज़बरदस्त रहेंगे। 3 मुझे लग रहा था थोड़े से कम है, तो मैंने इसमें डाल दिया है सॉल्ट। आप इसके अलावा इसमें पेपर डाल सकते हैं, चिली पाउडर डाल सकते हैं, गार्लिक पाउडर डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, कुछ भी आप डाल सकते हैं, इवन हरी मिर्चें चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसको मैं अच्छे से बीट कर लूंगी। मैं एग्जैक्ट वही रेसिपी फॉलो कर रही हूँ जो मैंने देखी है, और ये रेसिपीज तो लिटरली जो है ना वो 30-40 सेकंड्स में कंप्लीट हुई होती हैं, और वाकई ये सोच आती है कि अगर 30-40 सेकंड्स में कोई रेसिपी बन जाए तो लाइफ कितनी आसान हो जाए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये कोई टाइम टेकिंग रेसिपी नहीं थी। जितनी देर में आप मैगी नूडल्स बनाते हैं उससे 10 मिनट ज़्यादा कर लें आप मैक्सिमम। तो खैर, ये जो अंडा मैंने बीट किया हुआ था ना, ये नूडल्स पूरी तरह से पक गई है ना, तो मैंने इसके अंदर फिर ये एग डाल दिया है, और एग को अच्छी तरह से मैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, और उसके ऊपर मैंने फिर ये चेडर चीज़ डाल दिया। आप नहीं तो मोज़रेला भी डाल सकते हैं। फ्लेम मैंने बिल्कुल दम पे कर दिया, इस वक्त फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं है, मीडियम नहीं है, क्योंकि अब ये अंडा डाल दिया ना इसके अंदर, तो हमने ये कैसेरोल की तरह इसको एक किस्म का कुक करना है, तो हमने चम्मच नहीं हिलाना। मेरे पास सन ड्राइड टोमेटोज पड़े हुए थे, तो थोड़े से मैंने वो भी इसके ऊपर कट करके डाल दिया रैंडमली, और बस इसको मैंने ढक्कन लगा दिया, और हल्की आग पे मैं इसे तब तक पकने दूंगी 4-5 मिनट्स, जब तक एग अच्छी तरह कुक हो जाए। तो अभी यहाँ पे बनने लगा है ऑरेंज जूस। ये नेवल ऑरेंजेस होते हैं, बहुत ही जूसी और पल्पी होते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं हमें ये, और सर्दियाँ हों तो ऑरेंज जूस वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। एक तरफ विंटर में दिल चाहता है सूप और गर्म गर्म चीज़ें खाने पीने का, दूसरी तरफ ये जो सिट्रस जूसेस होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, और दिल चाहता है इसमें आइस क्यूब्स डाल के ठंडा करके इनको पिया जाए। तो मेरे पास बड़ा वाला जूसर भी है, लेकिन उसको क्लीनिंग इतना, उसके क्या कहते हैं स्टेप्स होते हैं, और इतनी उसकी चीज़ें होती हैं ना छोटे छोटे पार्ट्स के, क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैं इस वजह से जूस बनाने ही छोड़ गई। मैं, मुझे पता है मेरी गलती है, लेकिन नहीं दिल करता बनाने का, इतना बंदा जूसर ही धोता रहे रोज़ाना। तो वो फिर खैर, अब दोबारा से मैं सिट्रस प्रेस ले आई हूँ, तो अब ये कि एटलीस्ट सिट्रस जो जूसेस हैं वो फैमिली इंजॉय कर सकती है।
ये जो इलेक्ट्रिक सिट्रस प्रेस है ये कैनवुड का है, और इसके अंदर 2 ग्लास जूस तो है ना इजीली बन जाता है। उसके बाद फिर मैं उसे जग में ट्रांसफ़र करके तो 2 और ग्लास बना लेती हूँ। प्रिटी हैंडी है, छोटी सी फैमिली के लिए अच्छी अप्लायंस है। तो ये जी एग एंड नूडल कैसरोल रेडी हो गया है। ये मैंने इसका नाम खुद रखा है क्योंकि जो वायरल रेसिपीज़ होती हैं जस्ट वो अपलोड हुई होती हैं, उनके नाम नहीं लिखे होते, तो मैंने खुद ही से इसका नाम जो है ना वो डिसाइड कर लिया है। तो जिसने भी बनाई है ये रेसिपी, जिसने भी क्रिएट की है, बहुत मज़े की रेसिपी है और ब्रेकफास्ट के लिए तो बहुत ही मज़े की है। इसके ऊपर आप चाहें तो हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं या इसके ऊपर टमाटर डाल सकते हैं, बहुत मज़े की बनती है। और ये देखें बिल्कुल केक की तरह, स्लाइस की तरह या पिज्जा स्लाइस की तरह ये आप इसे कट करके निकाल सकते हैं, क्योंकि जो एग है वो इसके अंदर कुक हो गया तो इस वजह से नूडल्स जो है वो गिर नहीं रही है। तो जनाब जो मेरे रिव्यूज़ हैं वो ये हैं कि ये रेसिपी आप बिल्कुल घर पे ट्राई कर सकते हैं और बहुत अच्छी बनती है। बस सिर्फ ये कि इसमें 3 अंडे आपने नहीं डालने। जो रेसिपी अब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूंगी उसमें मैं 3 पैकेट नूडल के साथ 4 एग्स लिखूंगी, ठीक है। तो अगर छोटे छोटे से अंडे हैं तो 5 डालें, अगर नॉर्मल साइज़ के एग्स हैं तो फिर 4 डालें, तब आपको और ज़्यादा इसका मज़ा आएगा और ज़्यादा नूडल्स जो हैं वो पैक हुई होंगी। तो एनीवेज लेकिन अदर देन दैट बहुत अच्छी रेसिपी है, टेस्टी भी बहुत है और मज़ा आया बनाने का, भी एक नया एक्सपीरियंस था। ऐसे मैंने आपने मेरे चैनल पे कभी देखी नहीं होंगी कि मैं वायरल रेसिपीज ट्राई करूं, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ डिफरेंट करते हैं, लेकिन इट वाज वर्थ ट्राइंग। तो बाकी ये है कि जूस जो है ऑरेंज जूस के अंदर मैंने आइस क्यूब्स के तौर पर ये जो ब्लूबेरीज हैं और साथ में स्ट्रॉबेरी है इनको मैंने ब्लेंड करके ना तो रखा हुआ था फ्रीज करके क्यूब्स बना के, तो वो मैंने डाल दिए हैं, फ्लेवर भी ऐड हो गया और साथ में जूस भी ठंडा हो गया। तो बर्तन में जल्दी जल्दी धो रही हूँ क्योंकि बाद में जब लंच बनाने के लिए आऊँगी तो उस वक्त मुझे सिंक खाली चाहिए, मुझे काउंटर्स जो है ना वो क्लीन चाहिए, तो बेहतर है इस वक्त निपटा दूँ और फिर उसके बाद अपने बाकी घर के काम कर लूँ। घर के काम क्या हैं बेसिकली, मुझे जो है ना ये सारी जो लगी हुई है ना ग्राउट में फंगस वगैरह, फंगस या डार्क जो हुई है, गंदी हुई है ग्राउट, तो ये मुझे क्लीन करना है। और मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त ब्रश मिल गया जो कि मेटल वायर्स का बना हुआ है और उससे मैंने थोड़ा सा ग्राउट क्लीन करके देखा, बहुत अच्छा क्लीन हो गया था। तो मुझे किचन का भी ग्राउट क्लीन करना था और मुझे जो है वो वॉशरूम्स वगैरह का भी करना था, तो रोज़ थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ कि जितना सा हो जाता है उतना सा ही ठीक है, लेकिन वो चूंकि वो प्रोसेस ग्रोस बहुत लगता है तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि वीडियो में दिखा के मैंने क्या करना है कि ये देखें जी ऐसे मैं इसके जो है वो गन वन जो है वो साफ कर रही हूँ। तो ये है कि जो रिलेटिवली क्लीन ग्राउट होगा वो मैं आपको ब्रश दिखा दूंगी और मैं प्रोसेस बता दूंगी अगर आप कहेंगे तो, अदरवाइज बस जस्ट ये है कि ग्राउट क्लीनिंग आजकल चल रही है घर में तो बस उन कामों में मैं लगी होती हूँ। तो जल्दी जल्दी जनाब बर्तन निमट गए और डिशवॉशर का ये बड़ा फायदा होता है कि आप सारी डिशेज के अंदर डाल देते हैं और बस उसके बाद जो है बाकी काम जो है आपके हिस्से का डिशवॉशर कर देता है। लंच के लिए भी मैं बिल्कुल इजी सी रेसिपी बनाने लगी हूँ क्योंकि क्या होता है कि जब इतना आपने फिजिकल लेबर वाला काम किया होता है ना तो फिर उसके बाद इतना स्टेमिना नहीं होता, या तो आप फिर बाहर से मंगवा लो तो या फिर आप जो है कुछ इजी सा बना लो, तो मैंने सोचा कि बस इजी सा बना लेती हूँ। तो मैंने इसके लिए बीफ को डिफ्रॉस्ट किया हुआ था, बीफ को मैंने स्ट्रिप्स में कटअप कर लिया और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट और मैं बनाने लगी हूँ बीफ शवरमा रैप्स। उसके लिए मैंने अभी ऑयल भी इसमें डाल दिया, ऑलिव ऑयल डाल लें, कुकिंग ऑयल आपकी चॉइस है। और ये मेरे पास जो है ना पपाया पेस्ट पड़ा हुआ है, मैंने फ्रीज करके रखा हुआ है और एक क्यूब मैं ये भी डाल दूंगी, ऑल दो ये भी डिफ्रॉस्ट नहीं होगी, थोड़ी देर में हो जाएगी, फिर मैं इसे बीफ के साथ मिक्स कर दूंगी। जो पपाया होता है ना उसको आपने माइक्रोवेव में गर्म करके डिफ्रॉस्ट नहीं करना होता, उसके अंदर जो एंजाइम होता है ना पेपेन जो बेसिकली मीट को टेंडराइज करता है वो फिर डेड हो जाता है, किल हो जाता है। तो एनीवेज इसको रूम टेम्परेचर पर मैं होने दूंगी डिफ्रॉस्ट। यहाँ पर मैंने मैगी का शवरमा स्पाइस मिक्स डाला है, मेरे पास ये पड़ा हुआ था तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि क्विक रेसिपी है, मुझे खुद से कुछ नहीं करना पड़ेगा, जस्ट चीज़ें मिक्स करनी है और बना देनी है। अच्छा था, इसका टेस्ट बहुत अच्छा था लेकिन इतना ओरिजिनल नहीं हम कह सकते कि ऑथेंटिक शवरमा वाला टेस्ट था, बिल्कुल भी शवरमा फ्लेवर नहीं है, लेकिन ओवरऑल खाने का बहुत मज़ा आया था, अपने आप में एक बहुत अच्छा फ्लेवर था। सो अगर आपने जस्ट अपने क्विक उसके लिए करना है यूज़ कामों के लिए या लंच वगैरह के लिए तो फिर आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है।
तो ये मैंने क्यूब भी इसके ऊपर रख दिया, आहिस्ता आहिस्ता डिफ्रॉस्ट हो जाएगी, बीच बीच में मैं इसके लिड ओपन करके इसको मिक्स कर दूंगी और बस आधे घंटे के लिए रखना और उसके बाद फिर मैं इसे कुक कर लूंगी। उतने में जनाब हम अपनी वेजीज की कटिंग चॉपिंग जो भी करनी है वो कर लेते हैं। रेड बेल पेपर मैंने फिर मंगवा ली थी क्योंकि अफसोस हो रहा था सुबह ही मंगवा लेती, उसमें भी डालती ना तो बहुत अच्छी लगनी थी। एनीवेज तो मैंने बेल पेपर्स के सीड वगैरह रिमूव कर लिए हैं और अनियन पील कर लिए हैं और सारी चीज़ें एक ही दफ़ा करके रख लूँ ना फिर ईजी हो जाता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग करनी होती है ना तो हर चीज़ के लिए भाग दौड़ नहीं फिर करनी पड़ती, एक ही जगह सब अवेलेबल होता है, बस उठा के यूज़ करते जाएँ। नेक्स्ट स्टेप है जी इनको वॉश करना, और थोड़ा सा काम करें तो बर्तन साफ फिर से इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बर्तन भी मैंने साइड पे कर दिए हैं कि उनको अब मैं डिश वॉशर जो स्टॉप हो जाएगा तो फिर डाल दूंगी। आजकल क्या हो रहा है कि दो साइकिल रन हो रहे हैं डिश वॉशर के, नॉर्मली मैं एक ही साइकिल रन करती हूँ 24 आवर्स में। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ लेंटिल सूप, ये भी बहुत क्विक और बहुत इजी सूप है, और इसके लिए मैंने मसूर की धुली हुई दाल ले ली है और इसको मैं वॉश कर रही हूँ। 2-3 बार वॉश करना पड़ता है नहीं तो वो उसका पानी जो है ना वो वाइट वाइट सा आता रहता है। वो जब मैंने पानी क्लियर कर लिया तो उसको मैंने पकने के लिए रख दिया, और उतनी देर में हम वेजीज कट कर लेंगे जो हमें सूप में डालनी है। और उसमें है जी पोटैटोस, अनियंस एंड कैरेट्स, और थोड़े से बोनस में अपने लिए क्यूकम्बर्स रख लिए क्योंकि बहुत भूख लग रही थी, अब तो काफी टाइम हो गया था काम कर करके, और जब इतनी मेहनत का काम किया हो ना तो भूख लगती भी बहुत ज्यादा है। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास सिनेमन रोल्स पड़े हुए हैं, मैंने 2 सेट्स बनाए थे, एक तो बेक करके आपको दिखा दिया था और दूसरा मैंने रखा हुआ था फ्रीज करके, तो मैंने उससे पहले सिनेमन रोल्स कभी फ्रीज नहीं किए हैं, तो मैंने सोचा कि ये भी एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, तो लेकिन रिजल्ट जो है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, फिर उस वक्त ही बताऊंगी। तो ये सारी वेजीज जो है ना ये मैंने डाल दी हैं दाल के साथ, और साथ में एक चिकन क्यूब डाल दी है, और साथ में मैंने इसमें डाला है जीरा पाउडर और ये गरम मसाला पाउडर। इसके साथ जाएगा सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर, और साथ में इसमें जरूरत पड़े तो एक्स्ट्रा पानी डाल दें, और बस इसको पकने के लिए रख दें जब तक कि सारा कुछ जो है वो अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। और मैंने इसमें डाल दिया है जी ये हल्दी भी डाल दी है, वो उस वक्त मेरे से मिस हो गई थी। और जब ये सारी दाल पक जाए तो आप चाहें तो आप इसे ब्लेंड भी कर सकते हैं, अगर आपको क्लियर बिल्कुल स्मूथ वाला क्रीमी वाला सूप चाहिए, तो मैंने इसे थोड़ा सा चंकी ही रखा है। उतने में ये जो बीफ है ये मैरिनेट अच्छी तरह से हो गया है और पपाया भी जो है वो इसको अच्छी तरह से लग गया था, तो मैंने इसको अब कुक करना शुरू कर दिया, तेज फ्लेम पे मैं इसे पकाऊंगी। उतनी देर में मैं बना रही हूँ फ्राइज, ये मेरा बहुत ही हैंडी किस्म का गैजेट है, इसके बगैर तो मेरी लाइफ अधूरी है। एक ये और एक और वाइट वाला मैंने रखा हुआ है, वो दो मैं यूज करती हूँ, टोटल 3 है मेरे पास, लेकिन तीसरा वाला मुझे इतना पसंद नहीं है तो बस वैसे ही पड़ा हुआ है। अच्छी तरह से हम इसको पका लेंगे, और ढक्कन मैंने इसे लगाया हुआ ताकि जो बीफ है उसकी रॉ स्मेल जो है वो भी चली जाए, और यहाँ पे साथ में हम पोटैटोज को फ्राई कर लेंगे। ये देखें जी ये रेडी हो गए हैं, तो थोड़ा सा मैंने इनको भून भी लिया है, अच्छी तरह से पानी ड्राई हो गया तो मैंने फ्लेम इसका ऑफ कर दिया और अब ये रेडी टू ईट है। टॉर्टिया भी मैं फ्रीजर में रखती हूँ लाके, और जिस वक्त मैंने यूज़ करनी होती है पैकेट निकाल के तो काउंटर पे रख देती हूँ और वो अपने आप में जो है डिफ्रॉस्ट हो जाता है और फिर मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। अगर आप फ्रोजन टॉर्टिया को खोलने की कोशिश करेंगे तो वो फिर फट जाती है। अब मैंने इसके ऊपर लाइट मेयो लगाई है और साथ में केचप है और चिली सॉस है। बहुत ईजी से टॉर्टिया रैप्स हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। हाँ जो बाहर रहते हैं लोग, मतलब गल्फ कंट्रीज में, अरब कंट्रीज में, उनको ये पता है कि ये शवरमा वाला फ्लेवर तो कहीं से नहीं है, लेकिन हाँ बहुत मज़े का फ्लेवर है। मैं दोबारा भी ये लेके आऊँगी और अपने पास रख लूँगी ताकि क्विक जब कोई लंच डिनर बनाना हो या कोई गेस्ट आने हो तो बीच में स्नैक्स रखने हैं तो इस तरह से बंदा रैप्स या सैंडविचेस बना के इसी स्पाइस मिक्स से तो रख सकता है। तो यहाँ पर मैंने ये डाल दिए हैं जी बीफ स्ट्रिप्स डाल दिए हैं, साथ में टोमेटोज़ हैं, बेल पेपर्स हैं, अनियंस हैं और साथ में ये धनिया है। ये फ्रेश कोरिएंडर है, इसकी भी जगह अगर पार्सली हो ना तो और भी ज़्यादा मज़े का लगेगा। और उसके बाद मैंने इसमें साथ में अनियन डाल के तो थोड़ा सा लाइम जूस भी इसके ऊपर डाल दिया है। बहुत हेल्दी रोल्स हैं और बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं, देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है।
बच्चों के भी अपने नखरे होते हैं, किसी ने ये वेजी नहीं खानी, किसी ने वो वेजी नहीं खानी। और स्पेशली मिशारी जो है ना वो बहुत नखरे करता है, पिकी ईटर होता जा रहा है, जब जब उसे समझ आ रही है फूड आइटम्स की। तो शहजाद जो है वो कहते हैं उसके लिए भी सब डालो, ठीक है स्पाइस थोड़ी सी अगर वो नहीं उसका दिल चाह रहा तो बेशक थोड़ी कम कर लो, लेकिन जहाँ पे ऑप्शन हो वहाँ पे, अदरवाइज नहीं। तो खैर आजकल ये ट्रेनिंग चल रही है कि सब कुछ खाना है। तो ये जनाब लेंटिल सूप रेडी हो गया है, इसके अंदर अगर आप धनिया पाउडर भी डाल देंगे ना तो फिर हमारी टिपिकल देसी दाल वाला फ्लेवर हो जाएगा, वो आपने नहीं डालना। गरम मसाला डाल दें और जीरा पाउडर डाल दें तो इतना अच्छा फ्लेवर आता है, साथ में चिकन क्यूब जरूर डालें इसके अंदर, अगर नहीं है तो फिर चिकन आप डाल दें थोड़ा सा बॉईल करके, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर है इसके अंदर। मैं डाल रही हूँ जी विनेगर और साथ में चिली सॉस, और इसको गार्निश कर दिया मैंने फ्रेश कोरिएंडर से। और ये लेंटिल सूप इस तरह का है कि आपके बच्चे भी दाल शौक से खाएंगे। बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें दालें अच्छी नहीं लगती और कहते हैं हमने दाल नहीं खानी, तो ट्रस्ट मी इसको तो बच्चे भी खाएंगे। जो इसके रूम में रहेगा ना, जिसके अंदर वो जिसकी बाइनोक्यूलर्स पड़े हैं, उसमें एक कोई आता है सिर्फ वन। यार एक्सीलेंट यार बढ़िया। शनान आपको मैंने धोखा दे दिया, आपको मैंने ये प्लेटर नहीं बना के दिया। कैसा है लेंटिल सूप? यार इट्स अमेजिंग यार, मजा आ गया। मैं ये खा के देखा, कसम से बहुत मजे का यार। ये ट्राई किया, इट्स ऑसम यार, इट्स रियली ऑसम। आपने इधर से ट्राई करना, ऐसे लग रहा है कि हम किसी जगह बैठ के खा रहे हैं। मुझे यहाँ रख के फीलिंग ये होती है कि मेरा फूड है। एंड इतना सॉफ्ट है ये बीफ जो है, लिटरली जो है ना ये ऐसे ऐसे ऑलमोस्ट मेल्ट हो रहा है मेरे मुंह में जो है। लेकिन पपाया पेस्ट लगाइए ना। हाँ लेकिन इसका मज़ा ही फिर उसी का है ना कि बीफ खाए तो पता चले कि खा रहा है कि मेल्ट होने की वजह, चबाए तो सही थोड़ा सा चू तो करें। दांतों के दरमियान जो है This is not RAP rap, it's WRAP. नीचे ना फेंको चश्मी बेटा, उसे भी गुना देते हैं। खा लो उसे भी। सी फूड जब बनाया तो उसको खाया तो उसके गरम गरम ठंड के अंदर जो गरम गरम और क्या मजा आ गया, मैं बोल रहा था ठंड पे गई। और अब ये सही ठंड के अंदर ठंड पे गई, गरम गरम सूप पी के मजा आता है। मैंने आपके लिए स्पाइसी वाला आज बनाया है, आपको स्पाइसी अच्छा लगता है ना? It's excellent. Yeah, this soup is so good. लंच वगैरह के बाद हम बैठ के चाय पीते हैं, थोड़ा टीवी वगैरह देखते हैं, व्लॉग कर लेते हैं, थोड़ी एडिटिंग कर लेते हैं, कोई भी अपने अपने मैंने काम करने हैं वो मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद रात में हमारा बाहर निकलने का प्रोग्राम था, हमने जाना था कहीं पे, और लेकिन फिर मेरे माइंड में आया कि मैंने तो ये सिनेमन रोल्स निकाल के रखे हुए हैं। तो एक चीज़ जो मैंने नोट की है, फ्रोजन जब सिनेमन रोल्स डिफ्रॉस्ट हुए तो उसके बाद फर्दर प्रूफ नहीं हुए, विच इज़ वेरी गुड, अदरवाइज इस वक्त इनका ड्रम बना होता प्रूफ हो के। तो मैं भूल गई थी कि मैंने ये निकाल के रखे हुए हैं। एनीवेज इनको फिर मैंने जल्दी जल्दी बेक किया, 20 मिनट्स में बेक हो जाते हैं, बेक करके मैं चली गई थी और उसके बाद वापस आके मैंने ग्लेज बना ली थी। तो अब आते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा था। जो फ्रेशली जो मेड डो के सिनेमन रोल्स होते हैं वो तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बटरी भी होते हैं और बिल्कुल सॉफ्ट मॉइस्ट सी ब्रेड होती है, लेकिन ये जो फ्रोजन वाले थे ना इनकी ब्रेड जो है मुझे फ्रेश वाले से थोड़ी सी ड्राई लगी थी। लेकिन टू माय सरप्राइज जब मैंने इसको फ्रेश फ्रेश निकाल के खाया, और ये मेरा रिजल्ट मतलब मेरा ओपिनियन था, लेकिन जब मैंने इसको फ्रिज में रख दिया ओवरनाइट कवर करके फॉइल में, और जब अगले दिन चाय के साथ हम लोग दोबारा इनको गर्म किया हमने माइक्रोवेव में, तो इसका वही सॉफ्ट और मॉइस्ट वाला टेक्स्चर बना हुआ था जो कि फ्रेशली बेक्ड सिनेमन रोल्स का था। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। अगर आपने फ्रेश इतना टाइम है कि डो को आप बार बार प्रूफ करके बना सकते हैं तो आप फ्रेश बना लें, नहीं तो आप फ्रीजर में रखते हैं तो भी आप इसको उसी तरह एंजॉय कर सकते हैं।
तो बाहर से हम होके आ गए थे, तो उसके बाद मैंने ग्लेज बनाई थी, और ग्लेज बनाने के बाद मैंने जल्दी से सिनेमन रोल्स पे डाल दी थी, और रात में मैंने शहजाद ने बैठ के मूवी देखनी थी, क्योंकि बच्चों की चल रही हैं छुट्टियां, तो हम लोगों को सिर्फ नमाज के लिए उठना होता है और फिर दोबारा सो जाना होता है, तो कोई टेंशन नहीं होती, तो आराम से बैठ के मूवीज़ देखते हैं, और सिनेमन रोल्स जो है वो मैंने बना के रेडी कर दिए हुए थे, तो बस मेरे काम ख़त्म हो गया था, और बर्तन वगैरह भी सारे वॉश कर दिए हुए थे, तो लेकिन गीले थे तो कैबिनेट्स में नहीं रख सकी, तो जो एक्स्ट्रा बर्तन थे वो मैंने सिंक में जस्ट उनको सादे पानी से वॉश करके तो रख दिया है। और ये देखें कितने अच्छे है, कितना सॉफ्ट टेक्सचर है, लेकिन फर्स्ट डे के हिसाब से ये देखें इस तरह जो आप टूट रहे हैं उससे आइडिया हो रहा होगा आपको कि थोड़े से ड्राई हैं। सो ये है मेरा पर्सनल मतलब ओपिनियन, ये वाली सारी वीडियो जो है ना एक्सपेरिमेंट्स करने पे ही थी, और वायरल टिकटॉक वीडियो तो बहुत अच्छी रही, मैं उस तरह की और भी जो है ना रेसिपीज ट्राई ज़रूर करूँगी, मुझे बहुत मज़ा आया है, क्विक रेसिपीज हों, जल्दी बनने वाली हों, और बच्चों को बहुत अच्छी लगे और पूरी फैमिली इंजॉय करे, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, तो उन सबका थैंक यू जो ये क्रिएट करते हैं, अल्लाह जाने कौन है, क्योंकि वायरल हो के तो सोर्स ही नहीं पता होता बनाई किसने है। एनीवेज जिन्होंने भी बनाया है अल्लाह ताला उनको खुश रखें। इसके साथ ही वीडियो को मैं एंड करती हूँ, और आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।